तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बातचीत करने जा रहे हैं डेट एंड टाइम की कैलकुलेशन पे। जी हाँ, डेट एंड टाइम की कैलकुलेशन पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है डेट एंड टाइम को। एक्सेल शीट के ऊपर सबसे पहले जानते हैं डेट लिखने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले आप देखिए अपना सिस्टम का डेट फॉर्मेट क्या है, 2/5/2020। फरवरी का महीना चल रहा है तो देखिए पहले 2 है, मतलब ये है M, D एंड Y। ये पहले मंथ है, फिर डे है, उसके बाद Y है। तो आपको इसमें लिखना है, तो यहाँ पे आपको जो है 2/5। अब ईयर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि करेंट ईयर है, सो ईयर देने की कोई जरूरत नहीं है। एंटर प्रेस करते ही ईयर वो अपने आप ले लेता है। तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डेट का जो फॉर्मेट होता है वो दो तीन तरह के होते हैं। एक होता है MMDDYY जो अभी हमने लिखा हुआ है, दूसरा होता है DDMMYY। वो आपके सिस्टम पे अगर DDMMYY है आपका सिस्टम फॉर्मेट, यहाँ पे फॉर्मेट पहले डेट है फिर मंथ है, तो मेरा ये जो 5 फरवरी है आपके पास 2 मई हो जाएगा। समझे, मेरा 5 फरवरी आपका 2 मई कहलाएगा। yes, तो इसलिए हमने आपको बोला कि जो सिस्टम का फॉर्मेट है वो फॉर्मेट डिपेंड करता है आपके डे फॉर्मेट पे। अब जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि अगर आपका डेट का फॉर्मेट अगर डिफरेंस हुआ तो आपके पास फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। अब एक प्रॉब्लम हो गई ना, अब आप किसी को मेल कर रहे हैं कि भाई ड्यू डेट 2 फरवरी है, राइट। अब उसके सिस्टम में MMDDYY है और उसने देखा कि यार इसका डेट तो चलो मई में है, तो मई में देखते हैं। समझे सर, कंफ्यूजन हो जाएगी। तो आपको डेट भेजना है, मुझे आपको मुझे डेट भेजना है और मैं चाहता हूं डेट का जो फॉर्मेट है, डेट का जो फॉर्मेट है वो मेरे हिसाब से हो, मतलब कि किसी भी सिस्टम पे जाए तो जो डेट फॉर्मेट दिख रहा है उसी फॉर्मेट पे दिखे। तो उसके लिए डेट को आप डेट के अंदर में डालें 2020 मंथ 2 और डे 5। अब किसी भी सिस्टम फॉर्मेट में जाएगा तो आपको ये 5 फरवरी ही दिखाएगा। अब बात आती है कि इस तरह की डेट लिखने में दिक्कत होगी अगर हमें सिस्टम डेट टुडे एक फॉर्मूला होता है, चैनल सिस्टम डेट देता है। अब मुझे ईयर का फॉर्मूला है जिसमें से ईयर अलग कर देते हैं, मंथ का फॉर्मूला है जिसमें से मंथ को अलग करते हैं, और एक डे का फॉर्मूला है जो किसमें से डे को अलग करते हैं, और वापस डेट का फॉर्मूला है जिसमें हम इसको कंबाइन करते हैं। अब इससे आगे और भी काम है, हम आपको बताते हैं आपको। अब बात करते हैं डेट की कैलकुलेशन कि आज की सिस्टम डेट डली हुई है, मुझे इस पे 20 दिन जोड़ना है, जस्ट इस पे आप प्लस कर दो, क्या घटाना है तो माइनस कर दो। अब इसमें ए हो गए, अब 20 दिन जोड़ना है, घटा दिया मंथ। तो अगर किसी डेट में मंथ अगर जोड़ना है 3 महीने, ऐसा नहीं है कि आप 3 × 30 कर दे और 90 दिन जोड़ दे, नहीं। इसके लिए फॉर्मूला होता है ई डेट का। ई डेट हम इसको सिलेक्ट करते हैं, कॉमा 3 को रखते हैं, आ गया नंबर फॉर्मेट में आया है, कोई बात नहीं। इसके ऊपर कंट्रोल शिफ्ट हैश प्रेस कर दे, जी हाँ कंट्रोल शिफ्ट हैश, ये डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आ गया हमारा
अगर माइनस करने हो तो थ्री कर दीजिए तो माइनस हो जाएगा, प्लस रखेंगे तो प्लस और माइनस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा। लेकिन मुझे पर्टिकुलर डेट में 2 साल 4 महीने और 26 दिन ऐड करना। अब इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है सर, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला इसको अप्लाई कर दे, तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम ऊपर वाला जो मेथड है ना, इस मेथड को अपनाएंगे। हम यहां लिखेंगे डेट, डेट में देंगे ईयर, ईयर इसमें से अलग होगा, उसमें प्लस टू कर दीजिए कॉमा। फिर यहां से हम मंथ लेंगे, इसमें से मंथ को अलग करेंगे एंड प्लस फोर कर देंगे। और फिर यहां पे डे, इसमें से डे अलग करेंगे एंड प्लस 26 कर देंगे। तो रवि जी समझ में आया आपको? Yes. डाउट इसमें? अब बात करते हैं, ये तो हमने प्लस कर लिया, अगर माइनस करना हो तो जैसे एक एक और आज की डेट में अगर डिफरेंस निकालना है आपको कि कितने दिन हुए हैं, तो लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेज आपके डेज का निकल जाएगा। हालांकि इसके लिए डेज का फॉर्मूला भी अवेलेबल है, तो आप डेज का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, इसको सिलेक्ट लेटेस्ट डेट एंड ओल्डेस्ट डेट आ जाएगा। एक और आता है डेज 360। तो डे 360 क्या करता है कि साल को 365 दिन नहीं, साल को 360 दे देता है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जो होता है 360 डे का ही होता है, इसलिए यहां पे आपको इसके डिफरेंसेस कम मिलेंगे, साल में 5 दिन आपको कम मिलेंगे। लेकिन मुझे इन दोनों के बीच में एक्चुअल वर्क डे चाहिए, कि मेरे पास कुछ लिस्ट है जिस दिन छुट्टी थी, इस छुट्टी थी और आगे भी छुट्टी होगी, जरूरी नहीं है कि 17 मार्च की छुट्टी हो सकती है, तो इन फ्यूचर डेट भी इसमें इंक्लूडेड है। तो मैं चाहता हूं कि मुझे दो डेट के बीच में डिफरेंस चाहिए, अगर इन दोनों के बीच में सैटरडे एंड संडे और या भी इन दिनों से कोई डेट है तो उसको इग्नोर कर, तो उसके लिए हम यहां यूज करते हैं नेटवर्क डेज, इसको सिलेक्ट किया कॉमा, इसको सिलेक्ट, इसमें आप हॉलीडे सिलेक्ट कर ले जो आपका हॉलीडे है, तो यहां पे 24 आ गया, राइट? तो इसने सैटरडे एंड संडे को इग्नोर किया और इसमें से 26 जनवरी और 14 मार्च को भी इग्नोर किया और आपको बता दिया कि दो डेट के बीच में कितना नंबर ऑफ डेज है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारी ऑफिस सैटरडे संडे डे, इसमें संडे या कोई पर्टिकुलर डे में बंद होती है, तो नेटवर्क डेज डॉट आई एन टी एल इस्तेमाल करते हैं, नेटवर्क डेज डॉट आई एन टी इंटरनेशनल इसको कह सकते हैं हम। इसमें आपको चॉइस मिलता है कि कौन सा दिन चाहिए आपको, तो हमने बोला कि भाई इसमें हमारा संडे छुट्टी होती है, ओनली संडे छुट्टी होता है, तो 11 नंबर सेलेक्ट कर लिया और फिर हम अपने लिस्ट को सिलेक्ट करिए जो हॉलीडे लिस्ट है उसको। ओके, वैसे मान लीजिए आज हमने डेट डाला और मैं आज मैंने मान लीजिए कोई ऑर्डर किया प्रोडक्ट, तो बोला गया कि 5 वर्किंग डे में आ जाएगा, तो आफ्टर 5 वर्किंग डे क्या होगा? आफ्टर 5 वर्किंग डे क्या होगा, राइट सर? तो उसके लिए हम यहां पे ईओ मंथ देते हैं, इसको सर ये मंथ माफ कीजिएगा, वर्क डे
इसको सेलेक्ट किया, नंबर ऑफ डेज एंड होलीडे। तो सैटरडे संडे और इन दोनों के अगर इसके बीच में अगर एक डेट आता है उसको इग्नोर करके डेट बताता है कि 5 वर्किंग डे 12 फरवरी होगी, ठीक है। देखिए आपकी ऑफिस संडे बंद है तो क्या करेंगे, यहां पे लगेगा वर्क डे डॉट आईएलपीएल स्टार्ट डेट कॉमा 5 वर्क डे होगा ना, डेट नंबर ऑफ डेज और फिर हम यहां सेलेक्ट करते हैं अपना हॉलीडे और हम यहां से डे सेलेक्ट करते हैं। आ गया 11 फरवरी, ओके सर। इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी डेट की कैलकुलेशन थी। अब कोई डेट हम डाल रहे हैं, मुझे इसका कोई भी डेट हम लिखते हैं, इसका एंड डेट चाहिए। फरवरी का एंड डेट डिफरेंट डिफरेंट होता है ना, तो ईओ मंथ फॉर्मूला होता है, इसमें से आप एंड डेट निकाल सकते हैं। जीरो कर दिया, इसकी लास्ट डेट निकल दी, इसे जीरो होता है सेम मंथ का। अगर मैं यहाँ पे माइनस 1 कर दूं तो प्रीवियस मंथ का, और प्लस 1 कर दूं तो नेक्स्ट मंथ का, 2 कर दूं तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ, ठीक है। यस सर, क्लियर है? यस सर। अब इस पे आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है सर, क्योंकि अगली जो कैलकुलेशन टाइम की कैलकुलेशन, तो टाइम की कैलकुलेशन और डेट की कैलकुलेशन इकट्ठा पड़ेंगे तो मिक्सअप हो जाएगा। ओके, तो पहले डेट की कैलकुलेशन पे फोकस कर लीजिए, देन हम टाइम की कैलकुलेशन पे बात करेंगे। ओके सर, ओके, मिलते हैं कल सेम टाइम।